बाड़मेर जिले में पंचायत चुनाव के बाद चुने गए सरपंचों ने सरपंच संघ के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। गुरुवार को समदड़ी पंचायत समिति के सरपंच संघ ब्लॉक स्तरीय चुनाव अधिकारी मूलाराम पूनिया की अगुवाई में आयोजित हुए। सरपंच ब्लॉक स्तरीय चुनाव में खेत सिंह कोटड़ी को निर्विरोध सरपंच चुना गया। वहीं निर्विरोध अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संरक्षक चुनने के बाद चुने गए प्रतिनिधियों का साफा और मालाएं पहनाकर अभिनंदन किया गया। समदड़ी से सुनील दवे की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले में पंचायत चुनाव के बाद चुने गए सरपंचों ने सरपंच संघों के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। गुरुवार को समदड़ी पंचायत समिति के सरपंच संघ ब्लॉक स्तरीय चुनाव अधिकारी मूलाराम पूनिया की अगुवाई में आयोजित हुए। सरपंच ब्लॉक स्तरीय चुनाव में पंचायत समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। करीब एक घंटे की कसमकस के बाद खेत सिंह कोटड़ी को निर्विरोध सरपंच चुना गया। तत्पश्चात उपाध्यक्ष के लिए लच्छीराम मजल, संरक्षक पद पर खंडप सरपंच बाबू सिंह को निर्विरोध चुना गया। वहीं निर्विरोध अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संरक्षक चुनने के बाद चुने गए प्रतिनिधियों का साफा व मालाएं पहना अभिनंदन किया गया। चुनाव की प्रक्रिया का पर्यवेक्षक सिवाना सरपंच राम निवास आचार्य, चुनाव अधिकारी मूलाराम पूनिया, सहायक विकास अधिकारी सुरेश व्यास ने संचालन किया। मैं संगठन के लिए बिना भेदभाव किए राजनीति से परे हटकर संगठन में काम करूँगे और जो भी समस्या आएगी इसका जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो भी होगा उसके निवारण करूँगा और सरपंचों के लिए मेरा संघर्ष के लिए आगे रहूँगा। वहीं सरपंच खेत सिंह कोटड़ी ने संघ को अध्यक्ष चुने जाने पर सरपंचों द्वारा साफा मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए निर्वाचित अध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह से संगठन से मिलकर अध्यक्ष पद को मुझे दायित्व दिया है, निष्ठा भाव से पद की गरिमा को समझते हुए सरपंचों के अधिकारों हितों के महत्व देते हुए संगठन को मजबूती देने की पूर्ण कोशिश करूंगा। वहीं उन्होंने सभी सरपंचों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान ब्लॉक के सभी सरपंच उपस्थित रहे।